इलाही उम्र भर कुंवारी बैठेगी घर में, ये मुझे मंजूर है, लेकिन तेरे साथ ब्याह हरगिज नहीं। चल भाग यहाँ से। बीजी, जब तक अंकल जी मुझे जवाब नहीं देते मैं यहाँ से नहीं लूंगा। क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जहान हो जाएगा इलाही से दूर? क्या होगा इलाही के पापा का फैसला? कलर्स टीवी शो जुनूनियत के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि जहान के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जहान इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो जहान के पास पैसे होंगे जिससे वो एक बार फिर से अपने मॉम डैड को इंडिया वापस ला सकता है और एक बार फिर से अपने मॉम डैड को वो इज्जत दे सकता है जिसके वो हकदार है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं जहान को मालूम है कि वो इलाही से दूर हो सकता है, उनके बीच में डिस्टेंसेस बढ़ सकते हैं। तो जाने से पहले जहान इलाही के पापा से अपने और इलाही के रिश्ते की बात करता है, लेकिन क्योंकि बीजी जॉर्डन की माँ से ऑलरेडी इलाही और जॉर्डन के रिश्ते की बात कर चुकी है तो वो जहान और इलाही की शादी नहीं होने देना चाहती है। लेकिन जहान की गट फीलिंग है कि इलाही के पापा इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे क्योंकि वो इलाही से प्यार करते हैं। और जहान ये बोल चुका है कि जब तक इलाही के पापा उससे कुछ नहीं बोलेंगे तब तक वो इस घर से वापस नहीं जाएगा। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला कि क्या होगा इलाही के पापा का फैसला और क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जहान और इलाही हो जाएंगे एक दूसरे से दूर। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।